सुप्रभात, आज मैं दिशिता और मेरे साथी कनक, रितेश और गैलेक्सी आपको पाठ टोपी शुक्ला के पात्र टोपी तथा इरफान के परिवारजनों के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं। सुप्रभात, आज मैं आपको बताऊंगी इरफान के परिवार के सदस्यों के बारे में। इरफान के परिवार में कुल 6 सदस्य थे। इरफान की अम्मी, इरफान के अब्बू सैयद मुर्तजा हुसैन, इरफान की दादी जिनके पिताजी एक जमींदार थे, इरफान की बड़ी बहन और इरफान की छोटी बहन नुजहत। मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे बोले लगो, तुम अपने अब्बा की ही बोली बोलो। ये है इरफान की दादी। इस घर के लोगों को कितनी बार समझाया है, ढंग से बात करा करें। यह है सुभद्रा देवी, टोपी की दादी। इन्हें पूर्वी भाषा बिल्कुल नहीं पसंद। इन्होंने तो पूर्वी भाषा को गवारों की भाषा का दर्जा भी दे दिया था। यह बहुत ही कठोर स्वभाव की हैं। टोपी का परिवार एक हिंदू परिवार था जिसमें कुल 6 सदस्य थे। टोपी की माता राम दुलारी नारायण शुक्ला, उसके पिता ब्रिगु नारायण शुक्ला, उसकी दादी सुभद्रा देवी, उसका छोटा भाई भैरव व उसका बड़ा भाई मुन्नी बाबू। टोपी का असली नाम बलभद्र नारायण शुक्ला था और उसके पिता एक डॉक्टर थे। टोपी की माता अक्सर पूर्वी भाषा से मेल खाती भाषा का ही प्रयोग किया करती थी और यह भाषा भी टोपी को बेहद पसंद आती थी। टोपी का अच्छा मित्र इरफान था जो कि एक मुस्लिम परिवार से था, और ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ अधिकतर समय व्यतीत करते हैं तो उसकी ही बोली आपके मुंह पर चढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ टोपी के साथ भी हुआ, जिसे उर्दू भाषा का अम्मी शब्द बेहद पसंद आया। इसका प्रयोग उसने घर पर किया और उसका परिणाम अब आप देखिए क्या हुआ। उस दिन टोपी को बैंगन का भरता कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लगा, इसलिए उसने अपनी माता से थोड़ा और भरता मांगा। तुम्हें अम्मी बोलना इरफान ने सिखाया क्या? ते कौनो मियां के लड़का से दोस्ती कर लिहले बाय करे। अम्मी, ये शब्द तुम्हें किसने सिखाया? और बहू, तुमसे कितनी बार कहा है मेरे सामने यूं गमारों की तरह बात ना करा करो। ये हम इरफान से सीखा है। पहले ही दादी का गुस्सा सातवें आसमान पर था और ऊपर से मुन्नी बाबू ने आग में घी डालने का काम और कर दिया। हम एक दिन एको रहीम कबाब की दुकान पर कबाब उठाते देखा रहा वो दिन। सुनते ही टोपी हैरान हो गया, क्योंकि सच तो बिल्कुल इसके विपरीत था। असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए देख लिया था और उन्होंने टोपी को चुप रखने के लिए एक इकन्नी की रिश्वत उसे दे दी थी। उस दिन टोपी को उसकी माता ने बहुत मारा, साथ ही साथ उसे बहुत डांट का भी सामना करना पड़ा। इस सब के बावजूद भी उसने अपने मित्र इरफान के घर जाने से इनकार नहीं किया और उससे बातचीत भी चालू रखी। यह सचमुच ही उन दोनों की घनिष्ठ मित्रता का सबूत था। उस दिन टोपी काफी उदास रहा और वह अपनी दादी के बारे में सोच रहा था। उसकी दादी के कठोर स्वभाव व उनकी भाषा के चलते वह एक तरह से उनसे नफरत करने लग गया था। टोपी को इरफान की दादी बहुत पसंद थी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी नफरत, जाने कैसी भाषा बोलती थी, परंतु इरफान की दादी उसे कहानियां सुनाती जो उसे बहुत पसंद आती। आओ तुम्हें कहानी सुनाओ। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार। आंखों देखी नहीं कहती, कानों सुनी कहती हूं कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। इरफान की दादी की मृत्यु के बाद इरफान से बड़ा दुख टोपी को पहुंचा। उसके मन में एक कटु भाव भी आया और उसने इरफान से कहा, तोरी दादी की जगह हमरी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता।